हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे किचन में बन रहा है पुदीना मकई और टमाटर का सूप। ये सूप बनाने के लिए मैंने एक आलू, चार टमाटर और एक प्याज लिया है। टमाटर, आलू और प्याज को मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब कुकर में एक चम्मच बटर डालेंगे, एक दालचीनी का टुकड़ा, काली मिर्च के दाने और दो लौंग डालेंगे। सब खड़े मसाले को अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे और प्याज को थोड़ा भून लेंगे। अब इसमें कटा हुआ आलू और कटे हुए टमाटर डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें आधा कप अमेरिकन मकई के दाने डालेंगे, टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और सब अच्छे से मिक्स करके इसमें डेढ़ ग्लास जितना पानी डाल देंगे। ये सूप बहुत ही टेस्टी बनता है। आप एक बार ये सूप बनाएंगे तो बच्चे आपसे ये बार बार बनवाएंगे, इसलिए ये सूप एक बार जरूर ट्राई करें। अब इसमें एक इंच अदरक और दो हरी मिर्च काट के डाल देंगे। सब अच्छे से मिक्स करेंगे और एक उबाल आने देंगे। उबाल आने पर कुकर का ढक्कन बंद करेंगे। अब तीन विसल करेंगे। तीन विसल होने के बाद गैस का फ्लेम बंद करेंगे और उसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद कुकर का ढक्कन खोलेंगे और इसको ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड हो जाने के बाद मिश्रण को छन्नी से छान लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के छन्नी से अच्छे से छान लेंगे। अब ये सूप का टमाटर और कॉर्न का स्टॉक तैयार हो गया है। लास्ट में थोड़ा पानी डालेंगे और अच्छे से छान लेंगे। अच्छे से छान लेने के बाद सब्जियों का जो वेस्टेज बचेगा वो हम निकाल देंगे। अब सूप को हम गैस पे उबालने रखेंगे। गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें 1/4 कप अमेरिकन मकई के दाने और 1 टेबलस्पून कटा हुआ पुदीना डालेंगे। इसमें पुदीना की बहुत अच्छी टेस्ट आती है, इसलिए इसे स्किप ना करें। टमाटर की खटास को बैलेंस करने के लिए आधा चम्मच चीनी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट उबालेंगे। अब ये हेल्दी और टेस्टी पुदीना मकई और टमाटर का सूप तैयार है। इसे बाउल में सर्व करें और ऊपर से थोड़ा सा चीज डालें। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो लाइक करें, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स में शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।